आई हूँ अपने बुआ के घर। यहाँ पे बहुत ही मज़े आ रहे हैं। मैं आपको इनके खेत दिखाती हूँ, इनकी गाय दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना वो नहीं, यहाँ पे मतलब कोई भी आएगा दिल बड़े अच्छे से लग जाएगा उसका, इतनी प्यारी जगह है। हाइट होती थी उससे ज्यादा डबल ये था, देखिए। तो ये वो उसके लिए रखा है इन्होंने, उसको पीसते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आई हूँ अपने बुआ के घर। यहाँ पे बहुत ही मज़े आ रहे हैं, मतलब सिरमौर में इनका घर है और यहाँ पे इनके खेत में सब कुछ अपना है, मतलब गेहूँ और धनिया। ये देखो, मतलब यार यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको इनके खेत दिखाती हूँ, इनकी गाय दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो व्यू है इतना प्यारा, इन्होंने टमाटर लगाए हैं, मतलब सब्जी सारी की सारी अपनी है, खुद की। और मैं आपको इनकी गाय भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही ज़्यादा। इनके खेत दिखाती हूँ, मैं सो के उठ के वैसे ही आ गई हूँ। तो इतना प्यारा यहाँ पे था तो मन किया मेरा, चल लेती हूँ वैसे ही थोड़ा। और यहाँ पे ना वो तौंस नदी है सामने नीचे, बहुत बड़ी, यहाँ से दिखेगी नहीं। ये देखिए व्यू, ये है बुआ का घर, वहाँ जाके पूरा व्यू दिखाती हूँ आपको। इन्होंने ये सेब के पेड़ है, इधर को नहीं दिख रहा, ये सेब के पेड़ है, अभी इन्होंने लगाए हैं, अभी तो छोटे हैं। तो मैं आपको और भी दिखाती हूँ, बुआ की गाय दिखाती हूँ और बुआ का घर दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली यार बहुत। मैंने सोचा आपको भी मैं दिखा दूँ, क्योंकि व्यू यहाँ पे इतना प्यारा है ना, मन किया मैं कहा यार मैं छोटा सा एक ब्लॉग बनाती हूँ। इनका धनिया देखो कितना लंबा है, अब मैं अकेली हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये पेड़ किस चीज़ का है। ये और ये यहाँ पे गोबर इन्होंने खेत के लिए रखा होता है, खेत में जो फसल होती है ना वो अच्छे से उगती है, अगर ये गोबर भी डालो ना उसमें। मैंने मम्मी को देखा है बस। ये है बुआ की गाय, और गाय देखो कितनी मोटू सी है। ये देखो, ये है गाय और ये बकरू छोटा सा बुआ का। कितनी क्यूट गाय है, अभी इन्होंने जोर दिया है खाने में। ये देखिए बुआ के घर के सामने का व्यू कितना अमेजिंग है। यहाँ पे काम चला है अभी थोड़ा, तो लकड़ियाँ लकड़ियाँ हैं पूरे में। यहाँ पे मतलब कोई भी आएगा दिल बड़े अच्छे से लग जाएगा उसका, इतनी प्यारी जगह है। हम छोटे से यहाँ पे आते थे, मैं बुआ के घर आई हूँ 12 साल बाद। हम जब छोटे से होते थे तो आते थे, और ये जो तौंस है ना ये यहाँ पे, हम इधर जाते थे। और ये यहाँ से इतनी कम दिख रही है, लेकिन नीचे से लगता था कि बस जितनी मेरी हाइट होती थी उससे ज़्यादा डबल ये था। देखिए व्यू कितना प्यारा है। और ये मशीन है, इसमें ये हल्दी या फिर
इनके जो होते हैं ना, मतलब मेरे को नहीं पता उसका नाम क्या है, तो ये वो उसके लिए रखा है इन्होंने, उसको पीसते हैं इसमें मशीन से ना। मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने हल्दी बनाई हुई है, ये देखो ये इन्होंने हल्दी बनाई है, पीस के फिर ना ऐसी बनती है ये। इनका सब कुछ मतलब अपना उगता है खेत में, जो भी सामान चीज़ें होती है, बहुत कम ये लोग खरीद के लाते हैं, इतना बेनिफिट है अपनी चीज़ों का इनको। सब्जियां तोड़ तोड़ के आ रहे हैं घर ले जाने के लिए, और साथ में भाभी जी बुआ के घर आए थे मेहमान, और बुआ की इतनी ज़्यादा सब्जी लगती है कि ये इन दोनों ने जोर दिया हुआ है। पूरा घुस गया इधर, ये मम्मी ने सब्जी इतनी सारी घर के लिए कहा है, ये है ना वाह। मेरी मम्मी को जितनी मर्जी हरी सब्जी दे दो ना, फिर भी इनका पूरा नहीं होता। ये बहू और सास, और ये है केले का पेड़ इतने सारे। तो मैंने अभी वैसे ही छोटा सा ब्लॉग बनाया, मेरा मन कर रहा था सुबह, वैसे शाम को हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन हम ना लेट पहुँचे थे शाम के टाइम, तो यहाँ पे अंधेरा हो गया था पूरा, ये दिख नहीं रहा था व्यू ना, तो मैंने सोचा मैं कल सुबह उठ के मैं बनाऊँगी। तो वेदर यहाँ पे बहुत ही प्यारा है,
तो अभी छोटा सा ब्लॉग बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। देखिए।